हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्मूले को आज हम लोग जानेंगे और उस फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा इसके पहले टॉपिक में हमने डिसेक्शन फार्मूले में, डिस्टेंस फार्मूले में ये देखा कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, हम लोग को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को देख के चलेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझ में आया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकालेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया होगा ना, जैसे अगर कार्टेशियन प्लेन में देखा जाए तो हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा, उसका एक कोऑर्डिनेट ए बी सी ट्रायंगल है और एक कोऑर्डिनेट को हम लोग चलिए एक्स वन वाई वन मान लेते हैं और दूसरे को हम लोग मान लेते हैं एक्स टू वाई टू और तीसरे को हम लोग मान लेते हैं एक्स थ्री वाई थ्री। अब यहाँ पे हम लोग तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है ना, देखिए एरिया से ट्रायंगल एक आप लोग हीरोज फॉर्मूले से निकालते हैं, एक 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकालते हैं, इक्विलेटरल का अलग होता है, आइसोसेलेस के लिए अलग फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सा भी ट्रायंगल हो जाए अगर तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिस के अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे एरिया निकालने के लिए। तो एरिया फिर ट्रायंगल होता है 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री होता है, क्या होता है, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री और प्लस होता है एक्स टू और ये होता है वाई थ्री माइनस में वाई वन और फिर प्लस होता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो प्लस होगा एक्स थ्री और ये हो जाएगा वाई वन माइनस में वाई टू। ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला। इसको लर्न कैसे करना, देखिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री राइट कर लीजिए और वाई वन वाई टू और वाई थ्री राइट कर लीजिए, 1 2 3 2 3 1 या फिर ऐसे समझिए, देखिए अगर एक्स वन होगा तो वाई टू माइनस वाई थ्री साइक्लिक ऑर्डर में, एक्स टू होगा तो वाई थ्री माइनस वाई वन और एक्स थ्री होगा तो वाई वन माइनस क्या होगा, वाई टू होगा। तो यहाँ पे ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि 1 2 3 है, तो अगर 1 है तो 2 माइनस 3 होगा, अगर 2 है तो साइक्लिक में 3 माइनस 1 होगा, अगर 3 है तो 1 माइनस क्या होगा, 2 होगा, समझ में आया। देखिए अगर 1 है 2 है 3 है, चलिए साइक्लिक में राइट कर दिए, तो 1 है तो 2 माइनस 3, 2 है तो 3 माइनस 1, 3 है तो 1 माइनस 2, इस तरीके से आप लोग लर्न करेंगे। समझ में आया, तो फॉर्मूला क्या है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला। ये क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग साथ में बोलेंगे 1/2 x1, अगर x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 है तो y3 माइनस y1, x3 है तो y1 माइनस y2, ये 1/2 करके हम लोग करेंगे। अब देखिए अगर ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, अगर ट्रायंगल का अगर देखिए अगर ये जो ट्रायंगल है और ट्रायंगल ना होकर के तीन कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और एक कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, समझ में आया। एक मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूले के पहले कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में है तो उनके बीच ट्रायंगल बनेगा, देखिए तीन पॉइंट है तो ट्रायंगल बनता है, लेकिन जब तीन पॉइंट एक ही लाइन में है तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जीरो होगा। अगर तीनों एक ही लाइन में है तो एरिया क्या होगा, जीरो। इफ थ्री पॉइंट आर कोलिनियर, तो यहाँ पे दूसरा एक केस है, इसका केस ये है, इफ
पॉइंट आर कोलिनियर इफ थ्री टी एच आर डबल ई थ्री पॉइंट आर कोलिनियर. अगर तीन पॉइंट क्या है कोलिनियर है, अगर तीन पॉइंट किसी क्वेश्चन में बोलता है प्रूव दैट दीज थ्री पॉइंट आर कोलिनियर, तो हम लोग एरिया निकालेंगे और एरिया क्या आ जाएगा जीरो. अगर तीनों एक ही लाइन में है तो एरिया क्या होगा जीरो. अगर तीनों एक ही लाइन में नहीं है तब तो ट्रायंगल बनेगा, उसका कुछ ना कुछ एरिया निकलेगा. लेकिन जब तीनों एक ही लाइन में है तो एरिया क्या हो जाएगा जीरो. इफ थ्री पॉइंट आर कोलिनियर, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये जो एरिया है इक्वल टू क्या हो जा रहा है जीरो हो जाना है. तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस में वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस में वाई वन और प्लस हो जाएगा एक्स थ्री वाई वन माइनस में वाई टू और इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो. अब देखिए जब पूरा एरिया इक्वल टू जीरो हो गया तो ये वन अपॉन टू भी डिवाइड में जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा जीरो. तो वन अपॉन टू इधर से हम लोग क्या कर देंगे इरेज. अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले में भी क्या था, वहाँ पे आपको बोला था ना कि चेक करिए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है. तो वहाँ पे हम लोग कैसे चेक करते थे, तीनों डिस्टेंस निकालते थे, दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाले के इक्वल अगर होता था तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर थे. लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को इस तरीके से करना होगा तो बहुत ईजी हो जाएगा. अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उन तीनों पॉइंट के बीच का एरिया क्या होगा जीरो होगा. उन तीनों पॉइंट को हम लोग एक्स वन वाई वो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री कॉन्सिडर करके इस फॉर्मूले में रखेंगे. अगर पूरा इक्वल टू जीरो आ गया तो मतलब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं. अगर एरिया जीरो नहीं आया तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है. समझ में आया. इस पे क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके के आएंगे. जैसे एक ट्रायंगल है उसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, बोलेगा एरिया क्या है तो एरिया निकालिए. समझ में आया. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट करके छोड़ देता हूँ उस साइड में और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर 2, 3 माइनस 1, 0 2, -4. ये पहला क्वेश्चन और ये है दूसरा क्वेश्चन. तो हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है. तो चलिए देखिए 2, 3 हो गया और फिर क्या है -1, 0 और फिर क्या है 2, -4. सबको मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स वन वाई वन है और ये हमारा एक्स टू वाई टू है और ये हमारा क्या है एक्स थ्री वाई थ्री है. तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है, जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वन अपॉन टू क्या होता है एक्स वन. तो बताइए एक्स वन कौन है, टू है तो टू राइट कर लिए. ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू कितना है जीरो और माइनस वाई थ्री करेंगे तो माइनस और ये भी माइनस तो प्लस में फोर हो जाएगा. ठीक है. फिर क्या होता है एक्स टू और एक्स टू किस में है माइनस में, तो फॉर्मूले में प्लस एक्स टू होता है और माइनस एक्स टू होगा तो प्लस माइनस माइनस और एक्स टू है वो माइनस वन था और वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री की जगह पे माइनस फोर फिर माइनस वाई वन कितना है थ्री है फिर प्लस एक्स थ्री कितना है टू है और वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन है थ्री और वाई टू कितना है जीरो. अब इसी को सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन टू फोर टू जा एट माइनस फोर और माइनस थ्री माइनस सेवन, माइनस सेवन में माइनस वन का मल्टीप्लाई तो प्लस में सेवन हो जाएगा. अब टू थ्री जा हो जाएगा सिक्स. अब बताइए एट और सिक्स होता है फोर्टीन और एट सिक्स फोर्टीन और अपॉन में कितना है सेवन, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन में टू स्क्वायर यूनिट. क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट. एरिया कितना आ जाएगा 21 अपॉन में टू, एरिया आएगा 21 अपॉन में टू. तो ये तो पहले क्वेश्चन का हो गया. अब दूसरे का कैसे करते हैं, इसको मानते हैं एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन और ये हो जाएगा एक्स
2y2 और ये हो जाएगा x3y3 हो जाएगा। तो एरिया 1/2 x1, पहले क्या राइट करते हैं x1 और माइनस 5 है, फिर क्या होता है y2 माइनस y3, तो y2 कितना है -5 और -y3 करेंगे तो 2 आएगा प्लस, फिर क्या होता है x2 और x2 हमारा कितना है 3 और x2 के बाद क्या आता है y3 माइनस y1, y3 है 2 माइनस y1 कितना है -1, तो फॉर्मूले में माइनस और y1 भी है माइनस, तो ये हो जाएगा +1। अब इसके बाद क्या आएगा x3 और x3 कितना है 5, फिर क्या होता है y1 माइनस y2, देखिए y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -1 माइनस y2 कितना है वो माइनस है और y2 कितना है -5, तो ये हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो 1/2, देखिए -5 -2 -7 और -7 का -5 से मल्टीप्लाई, तो प्लस में 7 5 जा 30 5, 2 और 1 3 होता है और 3 3 जा 9, ठीक 5 है और -1 तो 4 आएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, समझ में आया। तो 1/2 35 और 20 को ऐड करेंगे तो 55 और 55 और 9 करेंगे तो 64 और ये 2 से कटेगा तो आएगा 32 स्क्वायर यूनिट। तो इसमें क्या रहेगा, आपको ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए रहेंगे, एरिया पूछ लेगा, क्या पूछेगा एरिया। अब दूसरा टाइप ये है, यही बोलेगा कि अगर कोलिनियर है तो ए की वैल्यू बताओ, कोलिनियर है तो बी की वैल्यू बताओ, एम की वैल्यू बताओ, तो उधर भी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू पता करिए फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसके लिए जो ये तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं वो क्या है कोलिनियर। अब देखिए अगर कोलिनियर है तो एरिया क्या आएगा 0 और एरिया इक्वल टू 0 का ही हम लोग कॉन्सेप्ट को लगा करके के की वैल्यू बताना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, आपको दिया है 7, -2 और फिर है 5, 1 और फिर है 3, k है, तो इन्हीं को मानते हैं x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3। तो एरिया क्या होता है 1/2, अगर कोलिनियर में है तो 1/2 नहीं लगाते हैं ना, डायरेक्ट इतना इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो पहले क्या होगा x1 कितना है 7, फिर y2 माइनस y3 कितना है 1 और y3 कितना है k, तो 1 माइनस में k प्लस x2 कितना है 5, फिर क्या है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है k और y1 है -2, तो माइनस लगता है तो प्लस में हो जाएगा 2 और फिर कितना है x3 कितना है 3, x3 कितना है हमारा 3 है और x3 के बाद फॉर्मूले में आता है y1 माइनस y2, तो y1 है -2 और -y2 कितना है 1 है। एक बार फिर से चेक करिए, इक्वल टू 0 होता है तो पहले क्या था x1 के बाद क्या होता है y2 माइनस में y3 सही है, x2 यानी कि 5 और x2 के बाद आता है y3 माइनस y1, तो y3 है k माइनस में ये 2 होता है तो +2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर -2 और -1 सही है। चलिए 7 का 1 में मल्टीप्लाई, 7 माइनस 7 k प्लस 5 k प्लस 10 और -2 -1 -3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे -9 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 7 10 में से 9 गया तो 1 और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और -7 k और +5 k करेंगे तो कितना आएगा -2 k इक्वल टू 0
तो 2k इक्वल टू आएगा 8 और k इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो k की वैल्यू कितना आएगा 4। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में k की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब सेकंड करते हैं 81 को, चलिए x1 y1 मान लो आप, फिर क्या मान लो x2 y2 मान लो, फिर x3 y3 मान लो, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3, x1 है 8 और y2 कितना है -4, माइनस y3 है -5, यहाँ पर भी माइनस और वो भी माइनस, तो प्लस में 5। फिर x2 हो जाएगा, x2 है k, और फिर जब x2 होता है तो y3 माइनस में y1, तो y3 है -5, y1 है 1, तो -1। फिर होता है x3, वो है 2, और होता है y1 माइनस y2, तो 1, और -4 है तो प्लस में आ जाएगा 4, और इक्वल टू 0। देखिए -4 और 5 होगा 1, और 8 वन जाएगा 8, -5 -1 -6, और ये आ जाएगा -6k, और 4 1 5 2 जा 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0, 6 10 और 8 हो जाएगा 18, और इक्वल टू 6k, और डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये रहा इस टाइप का क्वेश्चन, जब बोलेगा कोलिनियर है तो a की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ, तो इस टाइप हम लोग करेंगे। जब कोलिनियर की बात आएगी तो एरिया इक्वल टू 0 करके सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को फिर से लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई, बी है ए कॉमा 0 और सी है 0 कॉमा बी, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो प्रूफ करिए कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इसके पहले किए कोलिनियर का फॉर्मूला लगाना है। चलिए ए पॉइंट को मान लेते हैं, ये जो है हमारा x1 y1 है, और दूसरे को मान लेते हैं x2 y2 है, और तीसरे को मान लेते हैं x3 y3 है, ठीक है। अब कोलिनियर है तो एरिया 0 आएगा, तो पहले क्या होता है x1, और देखिए यहाँ पे देखते रहिए x1 कितना है x है x माइनस y2 माइनस y3, y2 है 0 और y3 कितना है b, तो हो जाएगा 0 माइनस में b, फिर प्लस x2 और x2 कितना है a है, तो ये a हो जाएगा, और फिर क्या होता है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है b है, और y1 कितना है y है, तो b माइनस y, प्लस x3 और x3 कितना है 0 ब्रैकेट में y1 और y1 कितना है y है, और माइनस y2 करेंगे 0, और ये कोलिनियर है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखिए x में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस xb हो जाएगा, a में b का मल्टीप्लाई तो ab माइनस ay, 0 का y में मल्टीप्लाई तो 0, और 0 का 0 में मल्टीप्लाई तो 0, ये सब इक्वल टू क्या हो गया 0। ए बी को इधर छोड़िए, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे, तो एक्स बी प्लस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और इसी ए बी का सब में डिवाइड, सब में क्या करते हैं तीनों में ए बी से डिवाइड करते हैं, तो अपॉन में ए बी, अपॉन में ए बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी, बी से बी कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स अपॉन में ए, ए से ए कैंसिल, तो y अपॉन में b, और ab से ab कैंसिल, तो कितना आ गया 1। तो ये आ गया x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देखा ना किस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से कोलिनियर है तो कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। आप लोग नोट करें, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स,
एक्स के किस वैल्यू के लिए जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट इतना इतना एंड इतना इज इतना। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं और ट्रायंगल का एरिया भी दिया है और तीनों वर्टेक्स में एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी है, एक तो वेरिएबल वहाँ पर आ गया है। जैसे सेकंड वाले वर्टेक्स में कितना आ गया, एक्स आ गया, तो पूछा है एक्स की वैल्यू बताओ, बस कुछ नहीं। जहाँ पे एरिया फिर ट्रायंगल राइट करते हैं वहाँ पे एरिया राइट करेंगे और जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरीके से करेंगे। एरिया कितना दिया है 5.5। चलिए पहले तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है 5, -1, दूसरा है x, 4 और तीसरा है 6, 3। तो एक को मान लेते हैं x1, y1, फिर x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3 हो जाएगा। अब एरिया क्या होता है 5.5, एरिया इक्वल टू यही होता है ना, तो 5.5 देखिए एरिया फिर ट्रायंगल की जगह पे ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2, फिर आता है x1 और x1 है 5 x1, फिर y2 -y3 y2 है 4, -3 करेंगे तो कितना आएगा 1, चलिए 4 -3 कर लेते हैं। फिर प्लस होता है x2 और x2 कितना है x है, फिर x2 के बाद कितना है y3 माइनस में y1, तो y3 कितना है 3 माइनस और ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में 1। फिर आता है x3 और वो है 6 और y1 -y2 तो -1 माइनस में 4, ये हो गया। 2 का 5.5 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 = 4 में से 3 गया 1 और 5 में 1 का मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 3 × 1 = 4 और x + 4 हो जाए, ये x × 4 हो जाएगा 4x हो जाएगा। -1 -4 -5 6 × -5 ये हो जाएगा -30 हो जाएगा। समझ में आया, चलिए 4x को एक साइड करते हैं बाकी सबको इधर लेके आते हैं, तो 11 - 5 प्लस में 30 हो जाएगा। 11 और 30 कितना हो जाएगा 41 और 41 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, सब कुछ सही चल रहा है तो सही है। 6 × 5 = -30 हो गया, हाँ सब कुछ तो सही है। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा और 6 और 30 कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे 4x तो x = 4 9 जा तो x की वैल्यू कितना आ गया 9। तो इस तरीके से सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर फॉर्मूला क्लियर है तो बस फॉर्मूले में आराम आराम से वैल्यू को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर इतना, यानी जो ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट से बने ट्रायंगल का एरिया बताइए। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं, पहला है 2, 1, दूसरा है -2, 3 और तीसरा है 4, -3। इस तरीके से है, बोला क्या है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया बताइए फॉर्म्ड बाय जो बना हुआ है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इतना इतना एंड इतना, जो ट्रायंगल के वर्टेक्स के मिड पॉइंट से बना हुआ है। तो यानी हमारा ये ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना है, पहले तीनों ट्रायंगल ये मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाओ, तो मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बन गया इस तरीके से और हमको इसी ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो मिड पॉइंट निकाल लोगे। बाइसेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट क्या होता है, देखो x1 + x2 / 2 तो -2 + 4 तो 2 आ जाएगा और 2 / 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,
3 और माइनस 3 0 अपॉन में 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ गया। देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा और 6 अपॉन 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, कॉमा 1 माइनस 3 तो माइनस 2 आएगा और माइनस 2 अपॉन में वो करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। फिर माइनस 2 और 2 0 अपॉन में 2 करेंगे तो 0, 3 और 1 4 अपॉन में 2 करेंगे तो 2। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आ गए, मतलब जो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से बना है उसके तीनों वर्टेक्स आ गए। तो हमको इसी ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया। और आप लोग एरिया का फॉर्मूला आपके सामने है, तीनों वर्टेक्स भी आपके सामने है, आप लोग एरिया निकाल सकते हो ना। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट के लिए आप लोग राइट कर लो, फॉर्मूला तो वैसे लिखाया गया है। तो मिड पॉइंट के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में क्या होता है, टू। तो ये मिड पॉइंट का क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग इसको करोगे। फिर मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करते रहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर का कॉन्सेप्ट फिर आ गया, बोला है देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो रिलेशनशिप क्या है, आप लोग जब कोलिनियर का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना तो वहीं पे आपको रिलेशन मिल जाएगा, ए और बी में कोई इक्वेशन मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। चलिए करते हैं, इसको मानिए एक्स वन वाई वन, इसको मानिए एक्स टू वाई टू और इसको मानिए एक्स थ्री वाई थ्री। तो कोलिनियर है तो एरिया जीरो आएगा। तो पहले एक्स वन कितना है वन, फिर वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू कितना है, अच्छा जीरो कॉमा जीरो दिया है, वन सेकंड में चेक कर लेता हूँ एक बार, जीरो कॉमा जीरो दिया है। तो वाई वन ये एक्स वन हो गया, वाई टू है जीरो, माइनस वाई थ्री है बी, प्लस एक्स टू है जीरो और फिर हो जाएगा वाई थ्री यानी कि बी माइनस टू, वाई वन हो जाएगा प्लस एक्स थ्री कितना है ए है, और जब एक्स थ्री होता है तो वाई वन माइनस वाई टू और वाई वन है टू और वाई टू कितना है जीरो, इक्वल टू आना है जीरो। तो ये माइनस बी हो जाएगा और प्लस ए का टू में मल्टीप्लाई तो टू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू ए इक्वल टू जीरो। तो टू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बी, या फिर टू ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, और यही क्या होगा ए और बी में रिलेशन होगा। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पे क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में क्या आता है, तीन पॉइंट दिए रहेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा या फिर कोलिनियर का कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, और जब कोलिनियर आएगा तो एरिया क्या होता है जीरो होता है। तो अपने हर एक क्वेश्चन को देखा, बहुत सिंपल, तीन से चार लाइन में सॉल्व हो जा रहे हैं, बस कोलिनियर है तो कोलिनियर का ही कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर एरिया की बात कर रही तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाना है, एरिया दिया है तो जहाँ पे एरिया होता है वहाँ पे एरिया रखना है, बाकी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसी के साथ हमारा क्या होता है इस टॉपिक पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।